हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आपने टाइटल और मतलब टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा, मैं कोई चैलेंज लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आप सभी को उसी के बारे में थोड़ा सा बताने आई हूँ कि कैसे क्या रहेगा ये चैलेंज। तो मैं यहाँ पर मैं अपना जो चैलेंज है वो मैं एक तो मैंने चैलेंज लेने का क्यों स्टार्ट किया, पहले मैं वो बता देती हूँ। मैंने चैलेंज लेने का इसीलिए स्टार्ट किया, मतलब सोचा कि वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं नहीं लूँगी, लेकिन क्या हो रहा है ना, अभी मेरे को बहुत टाइम है, क्योंकि अभी जो प्रोसेस डॉक्टर ने मतलब फॉलो करने के लिए कहा है वो भी करना है, प्लस उसके साथ ही मतलब होता है ना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं इससे रिलेटेड। और अभी मतलब वो हो रहा है, क्लोजिंग आ रहा है इनका, तो उस चीज में भी ये बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, तो अभी कोई कराने का मतलब ही नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात, बिहान के एग्जाम है 18 से, वो भी अभी 15 डेज चलेंगे, क्योंकि 6 7 डेज एक है और 6 7 डेज ओरल है, रिटर्न और ओरल दोनों होते हैं, तो वो चीज रहेगी। तीसरी क्या कहते हैं, मेरे को भी लग रहा है, मतलब हस्बैंड ही अभी 1.5 महीने तो बिजी हैं, तो थोड़ा बहुत और आगे हो जाएगा, तो ऐसा जैसा मैंने सोचा था। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मतलब मेरा वेट बहुत जल्दी जल्दी गेन हो रहा है, अभी ये समझ लो 1 हफ्ते में ही मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया है, और ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं मतलब पूरा कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि अभी किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं हूँ, तो मैं कंज्यूम कर ले रही हूँ, चाहे वो थोड़ा सा नमकीन ही खा लेना हो, चाहे उस दिन वो ये सारा काम हुआ था गैस वाला, तो उसमें मैंने समोसा ही खा लिया था, कि ठीक है ले आओ वही खा लेंगे ऐसे करके, और कभी कुछ ऐसा वैसा बनता है तो वो भी खा लेना, तो वो मतलब एक रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो नहीं रह पा रही है, और अपने लिए कुछ अलग से करने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं किसी उसमें नहीं हूँ। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, चैलेंज ले लेते हैं, और मैंने अगर तभी ले लिया होता और तब मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मैंने अपनी बॉडी को ये जाना है कि जब मैंने जब फर्स्ट 75 हार्ड चैलेंज किया था, उसमें मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, तो वो मैंने एक्सरसाइज 1 महीना किया था बस, उसमें ही मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, आगे मैं 8 10 दिन के लिए बहुत परेशान रही थी। सेम अभी हुआ, मैंने अभी ये पोछे का जो मैं मॉपिंग करने लग गई थी अपने हाथ से, तो मैंने 2 महीने किया, 2 महीने क्या 1.5 महीने ही किया होगा, क्योंकि 15 डेज तो अप्रोक्सीमेटली हुआ ही नहीं, तो उसमें सेम मुझे प्रॉब्लम उठी थी, सेम मेरे वही दर्द रहना और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होना। क्या होता है ना कि जब हम अपना मूवमेंट करते हैं ना, और हमारे स्टमक पे जोर जरा भी आता है, तो सिस्ट यूं करके निकल के बाहर आती है, वो चीज होती है जो हमारी अंतड़ियां होती हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और आते तो पता है कैसी होती है, तो वो जरा भी गलत उसमें हो जाती है तो पेन इतना गंदा वाला होता है ना, इस तरीके से यहाँ पीछे से पेन आता है, और ये आगे तो बहुत ही गंदा वाला होता था, और अभी तो मेरी सिस्ट टचवुड वही वो है, थोड़ा ठीक है, जैसी थी वैसी ही है, अभी बहुत ज्यादा उभरी हुई नहीं दिखती है, कि जैसे मतलब हेड मैं जैसे बताती हूँ एक्सप्लेन करती हूँ, तो उस टाइप का नहीं है, टचवुड अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैंने कहा चलो अपना चैलेंज स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैंने चैलेंज कौन सा लिया है, मैंने फरवरी के स्टार्टिंग में ही मैंने मतलब सर्च करना स्टार्ट कर दिया था, जब मेरा 75 खत्म नहीं हुआ था, 75 हार्ड खत्म नहीं हुआ था, तो मैं सर्च कर रही थी कि मतलब कौन सा चैलेंज ले सकते हैं, और थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से भी हो, तो उस टाइप का मैं कुछ सर्च कर रही थी, तो मुझे सडनली दिखा कि 75 हार्ड चैलेंज भी होता है, 75 मीडियम चैलेंज भी होता है, और 75 वो ये सॉफ्ट चैलेंज भी होता है। तो सबसे इजी वर्जन है 75 सॉफ्ट चैलेंज। मीडियम चैलेंज जो होता है उसमें आपको 45 मिनट की वॉक करनी रहती है, और 45 मिनट की आपको वर्कआउट करना रहता है, ऐसे रहता है। और जो 75 हार्ड चैलेंज रहता है उसमें पौने 3 घंटे का वर्कआउट है, जैसे कि 2 घंटे और 45 मिनट का वर्कआउट होता है, उसमें आप अपना वॉक और ये आप मतलब एक्सरसाइज जो करते हैं वो। तो और जो सॉफ्ट चैलेंज है इसमें आपको क्या करना है, सॉफ्ट चैलेंज में क्या है, 45 मिनट का चाहे आप एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप वर्कआउट कर लीजिए, जो भी आपको मतलब आपकी हेल्थ अलाउ करती है। तो इसको इस चैलेंज को ज्यादातर वही लोग लेते हैं जो मतलब मेरी तरह होते हैं, हम हाउसवाइफ के लिए ये चैलेंज भी बेस्ट है। 75 हार्ड चैलेंज में पहला रूल यही है कि आपको कोई भी मतलब फैट कटर ड्रिंक लेना है, दूसरा आपको क्या कहते हैं 45 मिनट का वर्कआउट करना है या फिर वॉक करना है, और तीसरा है आपको 3 लीटर वाटर पीना है, फोर्थ क्या कहते हैं आप इसमें एक रेस्ट डे ले सकते हो, जैसे कि आप 6 डेज आप अपना वर्क मतलब जो भी वॉक वगैरह कर रहे हो वो करो, एंड देन क्या कहते हैं आप जो एक दिन आप रेस्ट ले सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ एवरी संडे मैं रहा ले लिया करूंगी,
और फिफ्थ है कि इसमें आप जो रेस्ट ले लेते हो उसमें आप कोई भी चीट कर सकते हो। उसमें तो वैसे अल्कोहल के लिए है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी जो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, तो वो अल्कोहल के लिए बोल रहा था, लेकिन मैं ये चीट से मतलब करती हूँ कि आप एक मील में कुछ हल्का फुल्का ले सकते हो ऐसा 15 डेज में वन टाइम। सो वो चीज़ मैं फॉलो करने वाली हूँ और मुझे ये सबसे इजी लगा। और मीडियम वाला और 75 हार्ड वाला वो मतलब एक जैसा ही था, मीडियम में भी कोई रेस्ट डे नहीं है। बस जैसा जैसा है, और हमको एक डाइट फॉलो करना है, तो डाइट में मैं जैसे मैं कर रही थी वैसे ही मैं करूंगी। जैसे मैं कार्ब्स को अवॉइड करूंगी, जैसे कि आटा मतलब व्हीट फ्लावर हो गया मेनली, वो मैं अवॉइड करूंगी, और राइस अवॉइड करूंगी। राइस की जगह जब मुझे लेना होगा तो मतलब जैसे क्रेविंग होता है ना दाल चावल खाने का या फिर कुछ चावल वाला खाने का, तो मैं उस जगह पे लूंगी समा का चावल। और जैसे जैसे लूंगी वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और जैसे आटे की रोटी हम खाते हैं उसकी जगह मैं मिलेट्स की रोटी खाना स्टार्ट करूंगी, जैसे कि मैं पहले खाया करती थी फर्स्ट 75 हार्ड चैलेंज में। चलिए अब मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं रहेगा कि मैंने किसी का देखकर फॉलो मतलब किसी का देखकर कॉपी किया है। ये मेरा खुद की रिसर्च है, ये मेरी खुद की वो है मेहनत, तो उससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि किसी ने किया है ये चैलेंज, उसके लिए आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट रहता है। आज से मैंने ये अपना जो 75 सॉफ्ट चैलेंज है वो अपना स्टार्ट कर दिया है। आज मेरा डे वन है, आज 12 मार्च है और ट्यूसडे का दिन है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, और आप लोग प्लीज मुझे ब्लेसिंग देना और मुझे ऑल द बेस्ट बोलना, और मेरा जो टारगेट है वो मैं अचीव कर पाऊँ, एटलीस्ट 10 kg मैं अपना वेट रिड्यूस कर पाऊँ। तो बस आप सभी के सपोर्ट की, आप सभी के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।